जो जिनके पास परमिशन है वो भले ही आ जा रहे हों, पर वहीं मैं आपको ये भी बता दूं कि 12 बजने के बाद जो है इस बॉर्डर को पूरी तरीके से सील कर दिया जाएगा। किसी भी प्रकार की परमिशन या किसी भी प्रकार की सिफारिश यहाँ पर बिल्कुल नहीं चलेगी। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि जिस तरीके से लगातार कोरोना वायरस के मामले दिल्ली में बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं उसको लेकर के फरीदाबाद प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क नज़र आ रहा है और उसको लेकर के ही ये कार्रवाई यहाँ पर की गई है, ये कदम यहाँ पर उठाया गया है कि 12 बजे के बाद ये सीमा पूरी तरीके से सील कर दी जाएगी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ दिल्ली से लगने वाले जो जितने भी इलाके हैं उनको भी पूरी तरीके से सील कर दिया जाएगा। ड्रोन की मदद से जो है उन पर निगरानी रखी जाएगी क्योंकि ऐसे भी इलाके हैं जहाँ से लोग कच्चे रास्तों के माध्यम से फरीदाबाद आ सकते हैं, उन पर भी जो है पुलिस प्रशासन की पैनी नज़र बनी हुई है। ड्रोन के माध्यम से जो है ऐसे इलाकों पर नज़र रखी जाएगी और फरीदाबाद में किसी भी व्यक्ति को इंटर नहीं करने दिया जाएगा। साथ ही साथ जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, पुलिस प्रशासन लगातार जो है मॉनिटरिंग कर रहा है, लोगों से जो है बारीकी से जो है पूछताछ की जा रही है कि आखिर किस काम के लिए जा रहे हैं। जो भी इमरजेंसी है उसके लिए ही यहाँ से जो है परमिशन है। हमारे साथ ACP साहब मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि 12 बजे के बाद किस प्रकार की कार्रवाई होने वाली है। ACP साहब, पहले तो NV न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। थैंक यू वेरी मच सर। 12 बजे के बाद जिस तरीके से आप सुनने में आ रहा है कि पूरी तरीके से जो है बॉर्डर सील कर दिया जाएगा, क्या कुछ जानकारी है, कैसे वाहनों को कहीं निकलने की परमिशन होगी या नहीं? केवल जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, डेली नीड की चीज़ें हैं, उनको आने जाने की परमिशन या जिसके पास इंटरस्टेट परमिशन है उनको अलाउड है। उसके अलावा जो लोग स्टेट गवर्नमेंट के हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, फरीदाबाद से दिल्ली जॉब करने जाते हैं या दिल्ली से फरीदाबाद में हैं, उनकी आवाजाही टोटल बैन हो जाएगी, उनको टोटल सील कर दिया जाएगा। और जो लोग दिल्ली में रहते हैं दिल्ली में ही रहें, आज 12 बजे तक का उनको कल वार्निंग भी दी थी, समय दिया था, DC साहब के भी आदेश आ गए हैं, उनको समय दिया गया था ताकि अपने वो रहने की खाने की व्यवस्था जहाँ नौकरी करते हैं वहीं कर सकें। सर, जिस तरीके से कुछ पुलिसकर्मी भी हैं जो कि फरीदाबाद से दिल्ली में जॉब करते हैं या फिर स्वास्थ्यकर्मियों की बात करें तो ऐसे लोग भी क्या पूरी तरीके से बैन है? क्या वो जो दिल्ली में काम करते हैं वो दिल्ली में रहें, फरीदाबाद में काम करते हैं फरीदाबाद में रहें? बिल्कुल, ऑब्वियसली चाहे कोई दिल्ली पुलिस में है, हरियाणा पुलिस में है, सेंटर की किसी जॉब में है, डेली अप डाउन का सिस्टम जो है टोटली बंद है। जो दिल्ली में नौकरी करता है दिल्ली में ही रहेगा, 3 मई तक ये आदेश हैं, और हरियाणा में जो नौकरी करता है फरीदाबाद में नौकरी करता है फरीदाबाद में रहेगा। इसी साहब, जिस तरीके से अब हम देख रहे हैं कि कुछ लोग परमिशन दिखा रहे हैं, इमरजेंसी है तो अस्पताल जाना है, इस तरीके की अभी समस्या जो है लगातार हम देख रहे हैं, क्या 12 बजे के बाद ये पूरी तरीके से जो है बंद कर दी जाएंगी ये सेवाएं? नहीं नहीं, जो लोग इमरजेंसी है, मेडिकली कोई इमरजेंसी है उनके लिए कोई वो नहीं है मनाई, ज़रूरी की सामान की चीज़ें हैं, इमरजेंसी है, कोई पास है, किसी को कोई मेडिकल इमरजेंसी है, उसके लिए कोई मनाई नहीं है। लेकिन आम लोग जो डेली रूटीन में जॉब करने, सर्विस करने, अपना कोई सामान डिस्ट्रीब्यूट करने जाते थे उनके लिए टोटल बनाइए। ACP साहब, एक आखिरी सवाल मेरा, क्योंकि जिस तरीके से फरीदाबाद की सीमा दिल्ली से सटी हुई है, कुछ ऐसे इलाके भी हैं जो कि कच्चे रास्ते भी जो है फरीदाबाद में इंटर करते हैं, तो क्या ऐसे इलाकों पर भी कोई निगरानी रखी जा रही है किस प्रकार से? बिल्कुल बिल्कुल, हर इलाके पर, हर बॉर्डर पर, हर कच्चे रास्ते पर निगरानी है, चाहे कोई भी सीमा लगती है दिल्ली से, सब पे नाके लगे हुए हैं, और जो लोग बीच से कहीं से कच्चे रास्ते से निकल भी आते हैं तो रोड पर आने के बाद उनको राइडर हमारी PCR रोक के वापस जहाँ से आए हैं वो लोग वहीं उनको वापस पता देते हैं। ऐसा भी जो है सुनने में आ रहा था कि ड्रोन के माध्यम से भी लगातार जो है निगरानी की जा रही है ऐसी सीमाओं की जहाँ से पुलिस नाके नहीं कर सकती या पुलिस राइडर नहीं जा सकती वहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल, ड्रोन भी कई दिन से हमारे CP साहब ने चलाया हुआ है, जहाँ हमें ये लगता है हम हर जगह नहीं जा सकते वहाँ ड्रोन के माध्यम से पिक्चर लेके वीडियो बना के लोगों को जागरूक किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ ACP साहब थे जिन्होंने बताया कि पूरी तरीके से जो है पुलिस प्रशासन सतर्क नज़र आ रहा है और किसी प्रकार की चूक करने के मूड में इस समय प्रशासन नहीं है, क्योंकि लगातार जिस तरीके के मामले फरीदाबाद दिल्ली में जो है लगातार आ रहे थे कोरोना वायरस के, उसको लेकर के जो है प्रशासन की तरफ से ये कदम उठाया गया, क्योंकि फरीदाबाद में ये आंकड़े आगे ना बढ़े। अब तक मैं आपको बता दूं करीब 40 मामले फरीदाबाद में कोरोना वायरस के थे, पर खुशखबरी यहाँ पर ये भी है कि करीब 40 लोग ठीक होकर अपने घर वापस जा चुके हैं। मैं 6 लोग हैं जो कि अभी जो है इनका इलाज जो है चल रहा है, पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने साफ तौर पर यह दावा भी किया है कि बहुत जल्द ही, महज 2-3 दिन के अंदर ही उन 6 मरीजों को भी ठीक करके जल्द ही घर वापस भेज दिया जाएगा, और यह आंकड़ा आगे ना बढ़े इसको लेकर के फरीदाबाद प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है, और इसी के चलते कहीं ना कहीं जो पूरी तरीके से जो सीमाएँ ब्लॉक कर दी गई हैं। फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद से जो दिल्ली की तरफ आने वाला रास्ता है उस पर जो है जगह जगह पर जो है करीब 3 जगह जो है पुलिस कर्मियों ने जो नाके लगा रखे हैं, जहां पर फरीदाबाद की पुलिस भी शामिल है तो वहीं दिल्ली की पुलिस भी लगातार शामिल है, और लगातार ऐसे लोगों पर जो है कड़ाई यहां पर जो है पुलिस प्रशासन सख्ताई जो है अपनाते हुए नज़र आ रही है, जो कि
बगैर किसी मतलब के जो है घूमने निकलते हैं या फिर अलग जो है गलत जो है बहाने बना करके जो है फरीदाबाद से दिल्ली जा रहे हैं इस तरीके के लोगों पर। और यहाँ अगर जो बात करें तो दिल्ली से आने वाला रास्ता है ये जो फरीदाबाद में इंटर करता है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन ने इसे जो बंद किया हुआ है। कुछ जो परमिशन है जिनके पास, जो कि सच्ची परमिशन के साथ आ रहे हैं, ऐसे ही लोगों को सिर्फ छोड़ा जा रहा है, ना कि जो बहाना बना करके लोग आ रहे हैं ऐसे लोगों के जो है उन्हें वापस भेजा जा रहा है। साथ ही साथ जो लोग बहस कर रहे हैं उनके ऊपर भी लगातार जो है कार्रवाई की जा रही है। फरीदाबाद से ANV News के लिए मुकेश राजपूत।